नगर निगम चुनाव को लेकर बीएलओ के साथ सीओ ने किया बैठक। बूथों के स्थिति की ली जानकारी। बूथों की कमियों को दूर करने का दिया निर्देश। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर आज बागमारा प्रखंड सभागार में सीओ के सिंह ने बीएलओ के साथ बैठक किया। बैठक में सीओ ने बीएलओ को बताया कि निगम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसको देखते हुए बूथों की स्थिति की जानकारी ली। बीएलओ को उनके संबंधित बूथों की भौतिक सत्यापन कर कमियों की जानकारी तथा उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। सीओ ने बीएलओ को निर्देश दिया कि जो कमियां उनसे दूर नहीं हो सकती वह बता दे। बिजली, पानी, शौचालय आदि की स्थिति को देखें। जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग से सामंजस्य स्थापित कर दूर किया जाएगा। वहीं सीओ ने बताया कि निगम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज बैठक बीएलओ के साथ की गई है। बूथों का सत्यापन कर कमियों की जानकारी तथा कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन आयोग से पत्र प्राप्त हुई है, उसके आलोक में आगामी कुछ महीनों के भीतर नगर निगम धनबाद का चुनाव कराया जाना है। उसी के मद्देनज़र सबसे पहले तो मतदाता मतदान केंद्र भवनों का सत्यापन कराया जाना था। इसके लिए हम लोगों ने कल तक का समय दिया है सारे बीएलओज एवं सुपरवाइजर्स को, और इसके बाद 17 जून से 28 जून तक हमारा मतदाता सूची विखंडीकरण का काम होगा, और अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 14 जुलाई को किया जाना है। इसी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी सारे बीएलओज और सुपरवाइजर्स। ये जिन बूथों में भवन जर्जर हो गए हैं या फिर बिजली पानी की समस्या है, उसको संज्ञान में लाने का निर्देश दिया गया है सारे बीएलओज को, और अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा।